हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग जीयूआई मोड के द्वारा किसी भी मशीन के अंदर RHEL 7 कैसे इंस्टॉल करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि RHEL 7 के अंदर पार्टीशंस वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, लैन कार्ड वगैरह कॉन्फ़िगरेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये सब करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर रूट यूज़र का पासवर्ड सेट किया था, के साथ साथ हमने यहाँ पर एक प्रीत यूज़र भी क्रिएट किया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं RHEL 7 की इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप रिबूट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रिबूट पर क्लिक करते हैं, मशीन जो है वो अगेन रीस्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा वेट कीजिए इसके लिए। ये देख सकते हैं आप, RHEL 7 इंस्टॉल हो रीस्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, या जैसे ही मशीन रीस्टार्ट होगी, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स सर्वर विद लाइनेक्स। सेकंड ऑप्शन है रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स सर्वर विद लाइनेक्स रेस्क्यू। दोस्तों, सेकंड सेकंड ऑप्शन जो है वो स्पेशली यूज किया जाता है रूट यूजर का पासवर्ड वगैरह रीसेट करने के लिए, तो जिसे हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा और एंटर की प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पर कुछ फाइलें वगैरह लोड की जाएंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल्स जो है वो लोड हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 7। जैसे ही मशीन जो है वो बूट करेगी, यहाँ पर सबसे पहले आता है लाइसेंस इंफॉर्मेशन, लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट करने के लिए आप क्लिक कीजिएगा और आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, इसके लिए डन पर क्लिक कीजिए। लाइसेंस इज एक्सेप्टेड, ये आप देख सकते हैं। देन फिनिश इंस्टॉलेशन पर क्लिक कीजिए या फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कीजिएगा। थोड़ा वेट कीजिए इसके लिए। यहाँ पर के डंप कर्नल मेमोरी है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। फॉरवर्ड पर क्लिक कीजिए। देन अभी अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यस पर चेक मार्क रहने दीजिए, वरना आप नो पर चेक मार्क करके ये आप यहाँ से फिनिश पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, रजिस्टर जो है, अगर आप रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी टाइप की सपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर अभी आप रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, उसके लिए आप नो पर क्लिक कीजिएगा और फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है और आपके सामने लॉग ऑन स्क्रीन डिस्प्ले हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने लॉग ऑन स्क्रीन आ चुकी है।
यहां पर जो हमने प्रीत यूजर इंस्टॉलेशन के टाइम पर क्रिएट किया था वो आप देख सकते हैं। अगर आप प्रीत यूजर से लॉगिन करना चाहते हैं, प्रीत यूजर पर क्लिक कीजिएगा और प्रीत यूजर का पासवर्ड के द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक ऐसे यूजर से लॉगिन करना चाहते हैं जो जो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है उसका नेम, तो आप नॉट लिस्टेड पर आप क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले उस यूजर का नेम प्रोवाइड कीजिए, जैसे कि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पर भी बताया था कि एक रूट यूजर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पर यूजर नेम प्रोवाइड कीजिए, देन साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। साइन इन पर क्लिक करते ही यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा जो कि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही प्रोवाइड किया था। टाइप करके जस्ट साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। अभी मैं थोड़ी देर के बाद इसको साइन इन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं से ही आप इस मशीन को सस्पेंड कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं, या फिर यहीं से ही आप बैटरी वगैरह भी आप देख सकते हैं अपने लैपटॉप वगैरह की, वॉल्यूम वगैरह भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, यहीं से ही कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी आप डिसाइड कर सकते हो स्क्रीन वगैरह के साथ साथ, डे और टाइम वगैरह भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं, रूट यूजर जो है वो सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, रूट यूजर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका, सॉरी लॉग इन हो चुका है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि रूट यूजर ने सक्सेसफुली लॉग इन किया है। ये रूट यूजर की होम डायरेक्ट्री है। ये रिसाइकल बिन, जिसे हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ट्रैश के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैंने इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लैंग वेलकम वगैरह, इंग्लिश यूएस यूके ही रहने दीजिए, सॉरी यू इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यूएस कीजिएगा, देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट और यहाँ पर एक पेज ऑटोमेटिक ओपन होगा, उसको भी आप क्लोज कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है।